इस तरह की लेस मैंने पिछली वीडियोस में आपको गले में और स्लीव्स में लगानी बता दी है, और साथ ही मैंने ये भी बताया है कि बिना इंटरलॉक वाली मशीन के साथ आप इस लेस को किस तरीकों से लगा सकते हो फिनिशिंग के साथ। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो कुर्ती के चाक होते हैं, स्लिट्स होते हैं, उसमें इस तरह की लेस का पैटर्न किस तरह से फिल किया जाता है। तो जल्दी जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दें, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो को जब आप स्किप कर करके देखते हो जो बीच में इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं उन्हें आप छोड़ देते हो, उससे क्या होता है कि आपकी जो डिज़ाइन होता है कुछ भी जो भी आप सीखते हो उसमें फिनिशिंग नहीं आती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हमने इस तरीके की लेस ले ली है। मेरे पास कोई भी कुर्ती नहीं थी इसको लगाने के लिए, तो मैंने एक अलग से एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर ये फिटिंग वाली सिलाई लगा लिया, इतनी सी। आप समझ लीजिए कि ये हमारी कुर्ती की फिटिंग वाली सिलाई है हिप साइज़ की। तो अभी हमें यहाँ पे जो घेरा है वो फोल्ड करना है, पहले घेरे का हम निशान लगाएंगे। मगर उससे पहले हमें जितनी लेस यहाँ पे हम लगाने वाले हैं उतनी आप पहले कट कर लें। एक्स्ट्रा ली है, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ले सकते हो, एक दो इंच आपकी कम नहीं पड़नी चाहिए। दो चाक में लगाने वाले हैं तो हमने इसको डबल कर दिया है इस तरीके से। तो अभी इसके बाद मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की एक पट्टी ली है, ये मैंने 1.25 इंच चौड़ी ली है, और साथ ही साथ इसके नीचे मैंने एक पेस्टिंग पेपर को भी प्रेस से चिपका लिया है। ये पेस्टिंग पेपर लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे ही आपके चॉक्स में फिनिशिंग आएगी। तो अभी इस पट्टी के ऊपर मैंने लेस को सीधा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेस को सीधा रखकर स्टिच करेंगे, लेस की किनारी के ऊपर स्टिच करना है, और साइड में जो मैंने मार्जिन दिया है पट्टी का वो मैंने एक एक पैर का दिया है इस तरीके से। सेम मार्जिन रखते हुए सिलाई को लगाते जाएंगे, और जैसे कि मैंने 1.25 इंच चौड़ी पट्टी ली थी, अगर चाहो तो आप फैब्रिक की पट्टी चौड़ी बनाना चाहते हो तो इसका साइज और थोड़ा बढ़ा सकते हो। और जो मैंने लेस ली है वो मैंने 1/2 इंच चौड़ी ली है, अगर आप इससे भी चौड़ी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मगर ज़्यादा बड़ा पैटर्न है वो अच्छा नहीं लगता है। या फिर तो आप ऐसा करो कि जो पट्टी है वो बड़ी बना लो, लेस थोड़ी सी पतली ले लो, या फिर लेस थोड़ी सी चौड़ी ले लो और जो साइड में पट्टी बनाने वाले हैं उसे थोड़ा सा कम बना लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद पट्टी की जो एक साइड है उसको हम थोड़ा सा फैब्रिक फोल्ड करेंगे जितनी हमने सिलाई के दबाव में रखा था। एक एक पैर का मार्जिन हमने फोल्ड कर दिया है, और इसको पट्टी की तरह घुमाते हुए इसका जो एंड का पार्ट है वो हम लेस की किनारी के ऊपर रखेंगे और स्टिच करना शुरू करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से जो लेस की किनारी है उसको कवर कर देना है, कवर करते हुए किनारी में आपको स्टिच करना है। धीरे धीरे करते जाएंगे तो आपकी पट्टी आसानी से बन जाएगी। ये वाला जो एक्स्ट्रा पैटर्न है वो हम कुर्ती की चाक में लगाने वाले हैं, चाहो तो आप इसे और लंबा बनाकर घेरे की तरफ भी घुमा सकते हो, और इस तरीके का जो पैटर्न है वो आप स्लीव्स में भी लगा सकते हो मूरी वाली साइड में, बहुत ही अच्छा लगेगा, इससे थोड़ी सी लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। और ये वाला जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं कुर्ती की साइड में हम बनाने वाले हैं, आपको तो पता ही है कुर्ती की चाक में ये डिज़ाइन बनता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिसकी भी आप कुर्ती बना रहे हो, खुद के लिए सिल रहे हो या किसी और के लिए बना रहे हो, तो उसको पहले ट्राई करवा लेना है कि उसका जो हिप का साइज है वो प्रॉपर सही आया है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब ये डिज़ाइन बन जाएगा इसके बाद जो हिप है वो लूज़ नहीं होगी, हल्की फुल्की सी टाइट हो जाएगी, लूज़ नहीं होगी इसके बाद। तो आप पहले से ही परफेक्ट बना लें, कुर्ती की फिटिंग चेक करके या फिर करवा के ही इस डिज़ाइन को बनाएं। तो ये देखिए, हमारा अलग से पैटर्न है वो हमारा 1 इंच का रेडी हुआ है। अब इसके बाद हम दोबारा से कुर्ती की तरफ जाएंगे, मार्जिन जो हमारा साइड में है वो 1.25 इंच का है, तो यहाँ पे हम 1.25 इंच का निशान लगा लेंगे, ऊपर हिप वाली लाइन के साथ मिला देंगे इस तरीके से। मेरा मतलब है कि आपने जितना घेरा रखना है उतना निशान लगा लें। निशान को लगाने के बाद जितना हमारा पैटर्न रेडी हुआ है उसका निशान लगाएंगे। हमारा पैटर्न 1 इंच का रेडी हुआ था तो हमने निशान को अंदर की तरफ एक और 1 इंच का निशान लगा लिया है,
तो अभी ये देखिए, ये निशान को भी हम नीचे की तरफ मिला देंगे, थोड़ा सा डार्क कर दो ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख सके। तो यहाँ पे हमें तिरछा निशान लगाना है, 1.25 इंच का हम यहाँ पे तिरछा निशान लगा लेंगे हिप के साइज के अकॉर्डिंग, ये देखिए इस तरीके से। तो अभी हमें क्या करना है, इसको कट करना है। कट आपको किस तरीके से करना है, जो अब हमने अभी निशान लगाया है उसको हम थोड़ा सा मार्जिन देते हुए इस तरीके से आधा आधा इंच का मार्जिन देना है। आप जितना भी कपड़ा सिलाई में देते हो उतना आप मार्जिन ले लें। तो यहाँ पे भी हम तिरछा कट करेंगे। तो दोनों चाक हमारी इस तरीके से कुर्ती की कट हो चुकी है। अभी आपको क्या करना है, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके की कुर्ती की चाक बीच में से कट हुई है। तो आप देख सकते हो इसके बीच में हम अलग से 1-1 इंच का पैटर्न भरने वाले हैं। तो ये साइड में हम इंटरलॉक कर लेंगे। इंटरलॉक करने से क्या होगा कि हमारे धागे वगैरह नहीं निकलेंगे और जो कॉर्नर्स हैं उसमें हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। तो अभी हमें पैटर्न को फिल करना है। फिल किस तरीके से करना है तो चलिए देखते हैं। जो हमने कट लगाए हैं उतना हम मार्जिन पीछे की तरफ पहले फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करके हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से फोल्ड करते हुए थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन जो मैं सिलाई में देने वाली थी उसको मैंने फोल्ड करके प्रेस कर ली है। तो इससे क्या होता है, बहुत ही आसानी होती है लगाने में। तो अभी मैंने पैटर्न ले लिया है जो कि मैं फिल करने वाली हूँ। तो इस पैटर्न को भी आपको सीधा रखना है और इस कुर्ती को भी आपको सीधा रखना है। जो लेस की किनारी है उसको दबाते हुए कुर्ती के फैब्रिक के साथ किनारी के ऊपर स्टिच करना है। ये देखिए धीरे धीरे से मिलाते जाएंगे। ज़्यादा ऐसा नहीं करना है कि ज़्यादा ज़्यादा फैब्रिक स्टिच कर देना है, थोड़ा थोड़ा सा ही ऊपर रखना है और थोड़ा थोड़ा सा ही फैब्रिक स्टिच करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आएगी। जल्दबाजी नहीं करनी है इस डिज़ाइन को बनाने में, तो ही आप आसानी से सीख सकोगे। अगर आप जल्दी करोगे तो आपका डिज़ाइन ख़राब ही होना है, सही नहीं बनेगा। तो जहाँ पे हमारा कॉर्नर है आपको वहाँ तक वैसे ही लेकर आना है जैसे कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आए हो। तो अभी हम थोड़ा सा इसको कट कर देंगे एक्स्ट्रा छोड़ते हुए। तो इसको जो हिप की सिलाई है उसको मिलाते हुए यहाँ पे एक और पैटर्न इस साइड में रख लेंगे और जो आपकी जो नोक बन रही है, जो कॉर्नर है, वो आपका दोनों पैटर्न के बीच में आना चाहिए इस तरीके से। यहाँ पे हम थोड़ा सा पक्का करेंगे। पक्का करते हुए इस वाली साइड में तिरछी सिलाई लेकर आनी है। ये देखिए इस तरीके से तिरछी सिलाई लगा लेंगे। लगाने के बाद दोबारा से फिर से नीचे वाली साइड में स्ट्रेट लाइन लगानी है। तो ये भी सिलाई हमारी लगने ही वाली है। धीरे धीरे करके किनारी के ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो आप देख ही सकते हो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो, और बनाते समय पूरे ध्यान से बनाओगे, जल्दबाजी नहीं करोगे डिज़ाइन को बनाने में। तो अगर घेरे की तरफ घुमाना है तो आप जो पैटर्न है उसको एक्स्ट्रा ही रखें। एक्स्ट्रा रखकर इसके कॉर्नर बनाते हुए नीचे वाली साइड में लेकर जो घेरे की तरफ भी घुमा देना है। अगर आपको नहीं समझ में आई तो उसकी भी एक वीडियो अलग से मैं बना दूंगी। तो आप देख ही सकते हो कि कितनी फिनिशिंग के साथ जो हमारी लेस का पैटर्न है वो अटैच हो चुका है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस तरीके की लेस लगानी आ गई है या नहीं, और इस तरीके की लेस है जो वो किन तरीकों से लगाती है। अगर आपको वो सीखना है तो आप इस वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच।